बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी दोस्त के साथ भी व्हाट्सएप पर चैट करते हैं और अपना यानी कि वो दोस्त आपको कोई चीज़ सेंड करता है और आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं, चाहे वो वीडियो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे यानी कि कोई चीज़ भी यानी कि कह लें हो, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो फ़ोन में यानी कि गैलरी में जो है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, तो आप उससे परेशान होते हैं और उससे आपका स्टोरेज का भी मसला रहता है। अगर आप यानी कि चाहते हैं कि वो जो है गैलरी में कोई चीज़ सेव ना हो तो आप उससे बंद कर सकते हैं बिल्कुल बड़ी आसानी से। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो कुछ और सेटिंग है एक दो, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आपने आ जाना है अपने व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फ्रेंड आपने यहाँ पे राइट साइड पे आप देख रहे हैं थ्री डॉट, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सेटिंग में आ जाना है और उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं चैट्स, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप बंद करना चाहते हैं कि यानी कि कोई चीज़ वीडियो, फ़ोटो, कोई चीज़ भी अगर कोई दोस्त हमें यानी कि सेंड करे और यानी कि वो गैलरी में यानी कि सेव ना हो फ़ोन गैलरी में, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने कर देना है, या देख रहे हैं मीडिया विजिबिलिटी, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है कि ये जो है फ़ोन गैलरी में जो चीज़ भी अगर कोई दोस्त आपको सेंड करेगा तो वो फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। अगर आप इसे यहाँ से इस ऑप्शन को ये पहले आपके पास ऑन होगा, अगर ऑफ कर देते हैं तो आपके पास जो कोई चीज़ भी आएगी तो वो आपकी इजाज़त के बगैर, मर्ज़ी के बगैर जो है वो आपकी फ़ोन गैलरी में सेव नहीं होगी। उससे आपका स्टोरेज का मसला भी हल हो जाएगा। वैसे तो कोई चीज़ भी आती है तो यानी कि आपके स्टोरेज का मसला भी रहता है। तो आपने यहाँ से मीडिया विजिबिलिटी को ऑफ कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये थी पहली सेटिंग। और दूसरी आपको मैं एक और बताना चाहता हूँ, जहाँ पे फ्रेंड्स ये रहा, यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशंस। तो आपने यहाँ पे फ्रेंड्स मैं क्लिक कर देता हूँ नोटिफिकेशन में, आपने यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपने यहाँ पे आपको मिल जाता है मैसेजेस, यानी कि कोई अगर आपको दोस्त व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो उसका अगर आप जहाँ पे उसकी रिंग टून वगैरह चेंज करना चाहें आप वहाँ से यहाँ से आप यानी कि ईज़िली कर सकते हैं, रिंग टून को आप यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से कोई भी यानी कि रिंग टून को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको मैं एक और सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हैं वाइब्रेट लिखा हुआ है, तो फ्रेंड आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने यानी कि अगर आप वाइब्रेशन लगाना चाहते हैं यानी कि वाइब्रेट रखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ये पहले आपके पास डिफ़ॉल्ट होगा, आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, लॉन्ग लिखा हुआ है, अगर आप लॉन्ग रखना चाहते हैं तो लॉन्ग पे क्लिक कर लें। अगर आप शॉर्ट रखना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल ऑफ करना चाहते हैं वाइब्रेशन यानी कि ना हो तो आपने ऑफ पे क्लिक कर लेना है, ऑफ के बटन पर। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखें मैंने सेलेक्ट कर लिया शॉर्ट को। तो फ्रेंड्स आपने ये सेटिंग कर लेनी है, ये आपकी बहुत ही काम की सेटिंग है, आपको बहुत यानी कि ज़रूरत आएगी ये। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।